हेलो स्टूडेंट्स, स्टैंडर्ड 10। अभी हम कर रहे हैं बेसिक फॉर्मूलाज एंड डेफिनेशन ऑफ मोड, बराबर। 14.2 एक्सरसाइज जो है उसमें मोड के बारे में आएगा, तो उसके आगे जो उसका बेसिक इन्फॉर्मेशन वो मैं समझा रहा हूँ। ये पेज नंबर 272 और 273 पर सब टेक्स्ट बुक में लिखा ही है, राइट। ये मैंने जेब पे से कुछ भी नहीं लिखा, राइट। तो अगर आपको कोई कुछ लिखे नहीं तो आप टेक्स्ट बुक में देख सकते हो, राइट। बेसिक फॉर्मूला का डेफिनेशन ऑफ मोड, डेफिनेशन क्या है? मोड इज दैट वैल्यू अमंग द ऑब्जर्वेशंस व्हिच अकर मोस्ट ऑफन, मतलब जो ऑब्जर्वेशन सबसे ज़्यादा टाइम आता है, बराबर, जिसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज़्यादा है, दैट इज द वैल्यू ऑफ ऑब्जर्वेशन ऑफ द ऑब्जर्वेशन हैविंग मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी। जो ऑब्जर्वेशन की सबसे ज़्यादा फ्रीक्वेंसी है उसको क्या बोलेंगे? मोड। इट इज पॉसिबल दैट मोर देन वन वैल्यू मे हैव मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी, हो सकता है एक से ज़्यादा ऑब्जर्वेशन की फ्रीक्वेंसी ज़्यादा हो, मतलब सेम टू सेम हो और सबसे ज़्यादा हो। इन सब सिचुएशन द डेटा इज सेट टू बी मल्टी मॉडल, बराबर। तो ऐसे डेटा को क्या बोलेंगे? मल्टी मॉडल। एक से ज़्यादा मोड हो सकते हैं, तो अगर दो मोड होते तो बाई मॉडल, ट्राई मॉडल, राइट। दो ग्रुप डेटा कैन ऑल्सो बी मल्टी मॉडल। वी सेल रिस्ट्रिक्ट अवर सेल्स टू प्रॉब्लम्स हैविंग अ सिंगल मोड ओनली, मतलब एक से ज़्यादा मोड हो सकते हैं, फिर भी हमारे आंसर में से कितने मोड आएंगे? एक ही मोड आएगा, हमें उसको एक मोड पे रखना है। इन अ ग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, ये डिस्ट्रीब्यूशन लिखा है BIST N, यहाँ पर लिखा है, मतलब डिस्ट्रीब्यूशन लिखा है, राइट। टेक्स्ट बुक में देख सकते हैं। इट इज नॉट पॉसिबल टू डिटरमाइन द मोड बाय लुकिंग एट द फ्रीक्वेंसीज इन ग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, इट इज नॉट पॉसिबल। मतलब ग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन है तो उसके अंदर सिर्फ जो डेटा दिया है उसको पूछने में मोड डायरेक्टली पता चल जाएगा कि इसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज़्यादा है। हियर वी कैन ओनली लोकेट अ ग्रास विद द मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी, हियर वी कैन ओनली लोकेट अ ग्रास विद द मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी, मतलब कोई ऐसा ग्रास है जिसकी मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी है तो वो बता सकते हैं। कॉल्ड द मॉडल ग्रास, जो ग्रास की फ्रीक्वेंसी सबसे ज़्यादा होगी उसको हम क्या बोलेंगे? मॉडल ग्रास बोलते हैं। द मोड इज द वैल्यू इन साइड द मॉडल ग्रास, मोड क्या है? मॉडल ग्रास के अंदर की ही वैल्यू होगी, बराबर। तो मॉडल ग्रास है तो उसको पता चल जाएगा कि मोड की वैल्यू यहाँ से यहाँ तक, बराबर, जो भी ग्रास है उसके अंदर से ही मिलेगी, राइट। तो और एक बार समझा जो बेसिक फॉर्मूलाइजेशन डेफिनेशन ऑफ मोड, मोड इज दैट वैल्यू अमंग द ऑब्जर्वेशंस व्हिच अकर्स मोस्ट ऑफन, मतलब जो ऑब्जर्वेशन सबसे ज़्यादा टाइम आता है उसको बोलते हैं मोड। दैट इज द वैल्यू ऑफ द ऑब्जर्वेशन हैविंग मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी, जो ऑब्जर्वेशन की फ्रीक्वेंसी सबसे ज़्यादा होती है उसको हम बोलते हैं मोड। इट इज पॉसिबल दैट मोर देन वन वैल्यू वी हैव द मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी, ज़्यादा वैल्यू को भी मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी हो सकती है। इन सच सिचुएशन डेटा इज सेट टू बी मल्टी मॉडल, तो ऐसे सिचुएशन में डेटा को हम बोल सकते हैं मल्टी मॉडल। दो ग्रुप डेटा एन ऑल्सो भी मल्टी मॉडल, वी सेल रिस्ट्रिक्ट अवर सेल टू प्रॉब्लम्स हैविंग सिंगल मॉडल ओनली, दो मॉडल हो सकते हैं, फिर भी हम अपने डेटा को सिंगल मोड में रखेंगे, मतलब हमारा आंसर एक मोड ही आएगा, दो मोड नहीं आएंगे। इन अ ग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन इट इज नॉट पॉसिबल टू डिटरमाइन द मोड बाय लुकिंग एट द फ्रीक्वेंसीज, ग्रुप डिस्ट्रीब्यूशन होगा तो उसमें हम डायरेक्ट मोड बता नहीं सकते। हियर वी कैन ओनली लोकेट द ग्रास विद मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी कॉल्ड मॉडल ग्रास, राइट। जो भी ग्रास की हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी होगी उसको मॉडल ग्रास बोलते हैं। मोड इज वैल्यू टू इन साइड द मॉडल ग्रास, मोड मॉडल ग्रास के अंदर ही आएगा, जो मॉडल ग्रास पता है तो हमें पता चल जाएगा कि मोड की वैल्यू कहाँ से कहाँ कौन कौन सी वैल्यू के बीच में आ सकती है। उसके बाद हम इसकी फॉर्मूला देखेंगे, फिर एक्सरसाइज 14.2 स्टार्ट करेंगे। हेलो स्टूडेंट्स, अभी मोड की फॉर्मूला ये है, मोड इज इक्वल टू मोड का सिंबल भी है जेड, जेड इज इक्वल टू मोड दैट इज इक्वल टू एल प्लस f1 माइनस f0 अपॉन 2f1 माइनस f0 माइनस f2 इनटू h। तो एल क्या है? मोड का सिंबल जेड, राइट। लोअर लिमिट ऑफ द मॉडल क्लास, मॉडल क्लास जो भी है उसका लोअर लिमिट क्या है उसको बोलते हैं एल। एच इज इक्वल
इंटरवल राइट, या तो क्लास साइज बोल सकते हैं, लेकिन इंटरवल का एक तो भी चलता है राइट, क्लास साइज ऑफ द क्लास, देन ऑल क्लास इंटरवल्स टू बी इक्वल, सारे क्लास इंटरवल या तो क्लास साइज सेम ही होनी चाहिए, एफ वन इज इक्वल टू फ्रीक्वेंसी ऑफ द मॉडल क्लास, एफ वन क्या है मॉडल क्लास की फ्रीक्वेंसी, एफ जीरो क्या होगा फ्रीक्वेंसी ऑफ द क्लास रिसीविंग द मॉडल क्लास, एंड एफ टू इज इक्वल टू फ्रीक्वेंसी ऑफ द क्लास सक्सेसिंग द मॉडल क्लास राइट। तो मॉडल क्लास यहाँ पर कौन सा है, कौन सा है मॉडल क्लास, हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी किसकी है, 7821 तो हाईएस्ट यहाँ पर है राइट, और उसके ऊपर क्या आएगा एफ जीरो राइट, फ्रीक्वेंसी ऑफ द क्लास रिसीविंग मॉडल क्लास, मॉडल क्लास के ऊपर वाली एफ जीरो और नीचे वाली एफ टू राइट। तो ये एग्जाम्पल फाइव जो है उसको उसके मुताबिक मैंने आपको ये फॉर्मूला समझा दी। यहाँ पर लोअर लिमिट कौन सी आएगी, एल इज इक्वल टू 3, लोअर लिमिट ऑफ द मॉडल क्लास, मॉडल क्लास 3 to 5, हम एक समय हम लिख देंगे कि ये हमारा मॉडल क्लास है, जो हाइएस्ट फ्रीक्वेंसी होगी वो हमारा मॉडल क्लास होगा राइट। तो यहाँ पर हाइएस्ट फ्रीक्वेंसी है मॉडल क्लास 3 to 5 राइट, तो उसका लोअर लिमिट यहाँ क्या आया 3, और क्लास इंटरवल कितना है 2 to 2 है, 1+3+5 राइट, तो क्लास साइज क्या मिला है 2 राइट। तो अभी इसके मुताबिक हम सम्स करेंगे ओके। तो एक्सरसाइज 14.1 14.2 उसका फर्स्ट सम करते हैं।